और खबर कुल्हाल बॉर्डर से। हिमाचल प्रदेश से चल रहा उत्तराखंड में खनन का अवैध खेल, वन विभाग की कुल्हाल फॉरेस्ट चौकी से होकर रात भर चलता है यह खेल। संवाददाता अनिल दुबे की रिपोर्ट। देहरादून के ट्रांसपोर्टरों और हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगती वन विभाग चेक पोस्ट की जुगलबंदी के चलते देहरादून की कई खनन पट्टे पट्टा धारकों द्वारा सरेंडर होने और स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रशर बंद होने के कगार पर है। आपको बता दें कि देहरादून इस समय प्रगति की राह पर है, जिसके चलते जमकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें निर्माण खनन सामग्री की भारी आवश्यकता है, जिसका लाभ उठाकर देहरादून के बड़े ट्रांसपोर्टर रातों रात हिमाचल प्रदेश के स्टोन क्रशर और नदियों से यमुना व गिरी नदी की सुप्रसिद्ध तुली बजरी व रेत प्रतिदिन कई हजार ट्रक डंपर और घोड़े हिमाचल से उत्तराखंड में स्मगलिंग प्रतिबंधित होने के बाद भी कर रहे हैं। उक्त संबंध में उत्तराखंड सरकार द्वारा शासनादेश संख्या 562 जारी किया गया है, जिस संबंध में समस्त जनपदों के जिला अधिकारियों को प्रतिबंधित खनिज सामग्री तुली बजरी प्लास्टर का रेत आदि पर अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रतिबंधित किया गया है। परंतु सफेद सोने की चमक ने वन विभाग कुल्हाल चौकी को दत्तराष्ट्र बना दिया है, जिसके चलते सरकार को प्रतिदिन करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान पहुंचाकर उक्त प्रतिबंधित खनन सामग्री हिमाचल से उत्तराखंड में कुल्हाल बॉर्डर के रास्ते वन विभाग की चौकी की जुगलबंदी के चलते भारी मात्रा में स्मगलिंग हो रही है। अभियान चला हुआ है आज, जैसे कि लगातार एक शिकायत प्राप्त हो रही थी कि दर्रा एक बैरियर से ही कुछ वजह की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसमें हमने आज एक और एक उचित अक्षर इस रूट का किया गया है, जिसमें कि हमारे द्वारा कुछ वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें कि इस प्रकार की कोई भी अवैध प्रतिबंधित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है और नियमानुसार ही खनिज का अभियान किया जाना ज्ञात हुआ है। कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। हाँ, लगातार इस तरीके की जो भी निरीक्षण है और औचक निरीक्षण है और चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी रहेंगे और इस तरीके की कार्रवाई लगातार हमारे द्वारा रूट में भी की जाती रही है और की जाती रहेगी। खबर अच्छी लगी हो तो लोग जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।